A very good morning, students. Today we are going to start our new chapter, chapter number 6. The name of the chapter is Culture and Tradition Festivals. In this chapter, हम इसमें अलग अलग जो festivals हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, culture, tradition के बारे में पढ़ेंगे festivals के. So first of all, look at the checklist. National festivals के बारे में पढ़ेंगे, religious festival, harvest festivals, music and dance, folk dance. Okay, take clues from the picture shown below and name the festivals. यहाँ पर आपको pictures के clue दिए गए हैं, तो आपने इन picture को ध्यान से देख के बताना है कि कौन से festival की ये pic दिखाई गई है और festival का name लिखना है. ये आपने खुद करना है pencil के साथ. पहले अच्छे से ध्यान से पिक को देखना है, आपको जो लगता है कि ये किस फेस्टिवल की पिक है तो उस फेस्टिवल का नेम नीचे लिख देना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. पीपल इन इंडिया बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन एंड फॉलो डिफरेंट कल्चर एंड ट्रेडिशन. जो हमारे इंडिया के लोग हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग जो हैं वो अलग अलग कल्चर को फॉलो करते हैं, अलग अलग ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले भी बताया हुआ है, हमारी जो कंट्री इंडिया है वो एक ऐसी कंट्री है जिसमें अलग अलग रिलीजन के लोग जो रहते हैं साथ में मिलके. हमारी एक इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर आपको अलग अलग रिलीजन मिल जाएंगे, अलग अलग धर्मों के लोग जो है वो यहाँ पर हमारे इंडिया में रहते हैं. आर कल्चर एंड ट्रेडिशन कैन बी सीन इन द, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो ट्रेडिशन है, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं तो उनका अलग अलग कल्चर होगा, अलग अलग ट्रेडिशन होगा, वो हम दे सकते हैं. फेस्टिवल वी सेलिब्रेट, हम अपने फेस्टिवल्स कैसे सेलिब्रेट करते हैं उसमें देख सकते हैं. द डांसेस वी परफॉर्म, जैसे हम डांस करते हैं. द सॉन्ग्स वी सिंग एंड द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वी प्ले. अब किन चीज़ों में हम अपना कल्चर और ट्रेडिशन देख सकते हैं, हम अपने फेस्टिवल्स कैसे सेलिब्रेट करते हैं, हम डांस कैसे परफॉर्म करते हैं, हम कौन से गाने गाते हैं, कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, उससे हमारे कल्चर का और हमारे ट्रेडिशन का हमें पता चलता है. जैसे कि हम पंजाब में रहते हैं तो हमारे पंजाब का कल्चर और ट्रेडिशन थोड़ा अलग है. अगर हम पंजाब से बाहर चले जाएं, दिल्ली चले जाएं, महाराष्ट्र चले जाएं, तो उनका कल्चर और उनका ट्रेडिशन क्या है, अलग है. उनके त्यौहार मनाने का तरीका अलग है, डांस परफॉर्म करने का तरीका अलग है, उनके सॉन्ग्स अलग होंगे, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स अलग होंगे. इसीलिए इन चीज़ों से हमारे कल्चर और हमारे ट्रेडिशन के बारे में हमें पता चलता है. फेस्टिवल्स आर वन वे ऑफ सेलिब्रेटिंग हैप्पीनेस. फेस्टिवल एक ऐसा तरीका है जिसे हम हैप्पीनेस को क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं. And keeping our age old tradition alive, हमारे अपने पुराने जो हमारे traditions हैं उनको क्या करते हैं, alive रखते हैं, जिंदा रखते हैं. We celebrate three different types of festivals. हम तीन तरह के जो festivals हैं वो celebrate करते हैं. Three types of festivals जो हम इस book में पढ़ेंगे, three types of festivals. First one is national festivals. Second one is religious festivals. And third one is harvest festivals. There are three types of festival जो हम इस chapter में पढ़ेंगे. सबसे पहले है national festivals, जिसको क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय त्यौहार. religious festival धार्मिक त्यौहार. और harvest festival जो किसानों से related festivals होता है. ओके, इस chapter में हम three types के festivals के बारे में पढ़ेंगे. So let's start. सबसे पहले है national festivals. National festivals are celebrated by all citizens of the country irrespective of what religion they belong to. National festivals ऐसे festivals हैं जो हमारी country के सारे citizens एक साथ मनाते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के से belong क्यों ना करते हों, कोई भेदभाव नहीं करते हैं. सारे के सारे citizen as a India के citizen, as a Indian citizen, वो national festivals को क्या करते हैं, celebrate करते हैं. It is a celebration of an event that took place in the past which made significant effect in the progress of our country. ये celebration होती है एक event की, जिन्होंने हमारे past में एक event ने एक बहुत ही ज़्यादा
महत्व रखती है वो चीज़ हमारी कंट्री के प्रोग्रेस के लिए, उस चीज़ को हम सेलिब्रेट करते हैं। जैसे नेशनल फेस्टिवल्स में आ जाते हैं इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हमारे जो पीछे पास्ट में हमें कैसे इंडिपेंडेंस मिली, कैसे हमने फ्रीडम अपनी हासिल की, उसको हम सेलिब्रेट करते हैं, उसको याद करके हम क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती आर द नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन आर कंट्री। सबसे पहले क्या है, इंडिपेंडेंस डे, देन रिपब्लिक डे, देन गांधी जयंती। इंडिपेंडेंस डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इस दिन हमें क्या मिली थी, फ्रीडम मिली थी। रिपब्लिक डे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इस दिन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या हुआ था, इम्प्लीमेंट हुआ था। और गांधी जयंती क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी जी का क्या होता है, बर्थडे होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 15th अगस्त एवरी ईयर। हर साल 15 अगस्त को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। ऑन 15th अगस्त 1947 इंडिया बिकेम फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। 15th अगस्त 1947 को इंडिया को किससे फ्री हुए थे, ब्रिटिश रूल से, अंग्रेज़ों से हमें क्या मिली थी, आज़ादी मिली थी, हमने लड़के अपनी आज़ादी ली है। द प्राइम मिनिस्टर होस्ट्स द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट एंड गिव अ स्पीच। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इस दिन क्या करते हैं, रेड फोर्ट जो लाल किला है वहाँ पर झंडे को लहराते हैं और एक स्पीच देते हैं। लुक एट द पिक्चर ऑफ रेड फोर्ट। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द कंट्री स्पेशली इन स्कूल्स वेयर स्टूडेंट्स परफॉर्म ड्रिल्स मार्च पास्ट एंड फोक डांसेस। ये पूरे देश में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी के साथ सेलिब्रेट करते हैं, स्पेशली कहाँ, स्कूल्स में, जहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ड्रिल्स परफॉर्म करते हैं, मार्च करते हैं और फोक डांसेस क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, क्योंकि ये दिन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस दिन हमें फ्रीडम मिली थी। दैट्स ऑल फॉर टूडे।